हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, मिथिला यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2021-23 का एग्ज़ाम डेट आ गया है, समझे। 18 मई से आपका एग्ज़ाम डेट है। तो देखिए, हम इससे पहले आज हम कोर्स 3 का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं, लर्निंग एंड टीचिंग का। इससे पहले हम कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का और कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का डाल दिए हैं वीडियो, समझे। और आपका जो बाकी रह जाएगा कोर्स 4, 5, 6 जल्दी, एकदम बहुत जल्दी हम डाल देंगे, समझे। तो आज हम कोर्स 3 का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, क्वेश्चन इतना देख लीजिएगा, आपके लिए सफिशियंट है, इसी में से क्वेश्चन आएगा, समझे। एक और चीज़, किन्हीं को नोट्स चाहिए, PDF में चाहिए, कम समय में अच्छा, मतलब आपको नंबर चाहिए तो PDF ले लीजिए, पढ़ सकते हैं। तो आप इस नंबर पर बहुत कम पे करके आपको नोट्स मिल जाएगा पूरा कोर्स का, 9576024001%, समझे। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं, 9576024001%, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आप चैनल पर जाइए, कोर्स 1-2 का लिखिएगा, चाहे लिखिएगा VVI क्वेश्चन मिथिला यूनिवर्सिटी 2022, और कोर्स 1 या 2 जो भी लिखिएगा, चाहे पेपर का नाम लिख दीजिएगा चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, तो एक बार में ही आ जाएगा, समझे। देखिए, लिखा हुआ है VVI क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2022 सेशन 2021-23 मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, जी शॉर्ट में LNMU भी बोलते हैं। कोर्स 3 का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। अब देखिए, सुनिएगा, जो कोर्स 1, 2, 3 जो होता है, आपका 80-80 नंबर का पेपर होता है, यानी इसमें 5 यूनिट पढ़ना है, समझे, और 10 क्वेश्चन रहेगा आपका, जिसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको एक कोई भी एक प्रश्न का आंसर देना है, समझे। एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है। देखिए, एग्जाम में याद रखिएगा, देखिए एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, आप मेन टॉपिक पढ़िए, जो बेस्ट टॉपिक है, जिसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन पूछे उसके आधार पर हम लिख, जैसे अधिगम हो गया कोर्स बताएंगे इसमें। तो अभी आप क्या कीजिए कि सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़िए, जो मेन बेसिक जो टॉपिक है, समझे, उसको पढ़िए, तब आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा, समझे। क्योंकि बीएड में जो होता है आपका, मतलब स्किल, लिखने का स्किल देखा जाता है, समझे। तो ये पहला यूनिट में 5वां यूनिट है, पहला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के अधिगम की व्याख्या करें, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि अधिगम को क्या करें, परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के अधिगम की व्याख्या, एकदम पढ़ ही के जाइए क्वेश्चन की अधिगम का क्या क्या परिभाषा है, उसकी क्या प्रकृति है, विशेषता है, उसके प्रकार, एकदम क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। क्वेश्चन देख के आइएगा कि अधिगम को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के अधिगम की व्याख्या करें, डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन आपका अधिगम से रहता है, और दूसरा इसी में क्वेश्चन यूनिट 1 में अधिगम के सिद्धांत से रहता है, समझे। तो अधिगम आप बहुत अच्छा से पढ़ के जाइएगा, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत का वर्णन करें, या इसी को देखिए, संज्ञानवादी, देखिए अधिगम के सिद्धांत में मुख्य रूप से 2 सिद्धांत आता है आपका, एक आपका आता है व्यवहारवादी सिद्धांत और एक आता है संज्ञानवादी सिद्धांत। देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत में आपका सूज का सिद्धांत हो गया, क्रिया प्रसूज सिद्धांत हो गया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, ये सब आपका किस में आता है, सूज का आपका व्यवहारवादी सिद्धांत में आता है, समझे। फिर आपका इधर जो आपका कोहलर का है, सूज का सिद्धांत हो गया, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, ये सब आपका संज्ञानवादी सिद्धांत में आता है, समझे। तो वही क्वेश्चन है कि अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत का वर्णन करें, या कोहलर के अंतर्दृष्टि, या इसी को सूज का सिद्धांत कहते हैं, समझे, इसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, का वर्णन करें, समझे। तो कहने का मतलब हुआ कि यूनिट 1 में आपका 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका अधिगम से रहेगा कि अधिगम क्या होता है, इसकी क्या प्रकृति क्षेत्र है, और दूसरा क्वेश्चन अधिगम के सिद्धांत से रहता है, समझे। तो आपका व्यवहारवादी या संज्ञानवादी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, 2 साल से आपका व्यवहारवादी पूछ रहा है, 2020 में भी, 2021 में भी, समझे। तो 22 में आपको चांस है कि आपका संज्ञानवादी आने का, समझे। तो वही क्वेश्चन है कि कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन करें, समझे, जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। देखिए, हम इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए है कि देखिए, अब मान लीजिए 2 साल से दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि व्यवहारवादी ही पूछ दे, तो एक व्यवहारवादी सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा, जो आपका थॉर्नडाइक का है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, समझे। तो वही क्वेश्चन है, या स्किनर का भी देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का वर्णन करें, डिस्कस द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, समझे। इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझे। आइए यूनिट 2 में आते हैं। देखिए, यूनिट 2 में आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, समझे, रहेगा ही रहेगा, इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे। तो वही क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करें, यानी जो जो कारक है उसको, जैसे जैविक कारक हो गया, अनुवांशिक कारक हो गया, समझे, विद्यार्थी रहित कारक हो गया, शिक्षक रहित कारक हो गया, ये सब जितना भी कारक है, इसको क्या करना है कि वर्णन करना। तो वही कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर डैट इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अनुवांशिक कारक अधिगम को कैसे प्रभावित करता है, व्याख्या करें, समझे। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक रहे, या जैविक कारक पूछे, मतलब उसी में आ जाएगा सब
तो ये क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कारक या जैविक कारक अधिगम को कैसे प्रभावित करता है, व्याख्या करें, समझे। क्वेश्चन ये देख के जाइएगा, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। आगे क्वेश्चन है चौथा कि स्मरण, यानी देखिए एक होता है भूलना या फॉरगेटिंग कहते हैं या विस्मरण, वो तो आपका 2021 में पूछ दिया, समझे। तो इस बार स्मरण आने के बहुत ज़्यादा चांस है, समझे, यानी रिमेम्बरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, वही कह रहा है। स्मरण क्या है, इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी व्हाट इज रिमेम्बरिंग डैट, व्हाट आर द फैक्टर डैट इफेक्ट इट, यानी स्मरण क्या है, इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, समझे। तो दो क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा में एक देखिए इसमें आपका मोटिवेशन से क्वेश्चन एगो रहेगा, समझे। तो मोटिवेशन को थोड़ा देख लीजिएगा, समझे, कि व्यक्ति के सीखने पर अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, चर्चा करें। या क्वेश्चन ऐसे भी लिखेगा कि बच्चे बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, उसमें अभिप्रेरणा है क्या महत्व है, मतलब अभिप्रेरणा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप समझिए कि अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, कि कोई व्यक्ति को उसमें गतिशील बना देना, समझे, और जल्दी कोई कार्य कर सके, समझे। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, तीन क्वेश्चन इसमें, कि अधिगम को प्रभावित करने विभिन्न कारक की व्याख्या करें, स्मरण क्या है, और फिर मोटिवेशन, यानी व्यक्ति के सीखने पर अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, चर्चा करें, समझे। आइए यूनिट थ्री में आते हैं, देखिए यूनिट थ्री में आपका शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। आप शिक्षण बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे, शिक्षण आएगा ही आएगा, समझे। तो ये क्वेश्चन है कि शिक्षण को परिभाषित करें, शिक्षण किस प्रकार एक नियोजित या योजनाबद्ध या जटिल, देखिए इसका दो तीन का नाम है, समझे, कुछ भी घुमा के पूछ दे तो कन्फ्यूज नहीं होगा, समझे। तो वही क्वेश्चन है कि शिक्षण को परिभाषित कीजिए, शिक्षण किस प्रकार एक नियोजित या योजनाबद्ध है या आपका जटिल है, बात वही बड़ा क्रिया है, व्याख्या करें, यानी डिफाइन टीचिंग, एक्सप्लेन हाउ टीचिंग इज ए प्लान एक्टिविटी, समझे। छठा क्वेश्चन है कि शिक्षण दक्षता यानी शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, शिक्षण दक्षता के लिए कौन कौन से कौशल की आवश्यकता होती है, समझे, यानी दक्षता यानी आप में एक देखिएगा, आपके क्लास में दो टीचर होंगे, एक में देखिएगा बहुत अच्छा से पढ़ाते होंगे, यानी वो शिक्षण दक्षता है, समझ, दक्षता है, यानी शिक्षण दक्षता यानी शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, शिक्षण दक्षता के लिए कौन कौन से कौशल की आवश्यकता होती है, समझे, यानी व्हाट डू यू मीन बाई प्रोफेशन इन टीचिंग, व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोफेशनली इन टीचिंग। इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, देखिए ये क्वेश्चन देख ही जाइएगा, एकदम आएगा। देखिए शिक्षण के तीन स्तर होता है, एक होता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी पढ़ाने से पहले की अवस्था, फिर पढ़ाने की अवस्था, और लास्ट वाला होता है मतलब पक्ष क्रियात्मक अवस्था, समझे। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, शिक्षण के तीन स्तर होते हैं, तो आप वीडियो देखिएगा, इसका वीडियो भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये कह रहा है कि शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था प्रे एक्टिव फेज क्या है, शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था प्रे एक्टिव फेज क्या है, शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की भूमिका का विवेचना करें, समझे। इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा, समझे। इस बार पक्ष पूछा हुआ था, इस बार पूर्व आने की संभावना है। चौथा क्वेश्चन है शिक्षक के व्यवसायिक विकास की आवश्यकताओं की विवेचना, यानी व्यवसायिक विकास उसमें कैसे होगा उसकी आवश्यकता की विवेचना करें। आठवां क्वेश्चन है पाठ योजना क्या है, इकाई योजना या पाठ योजना में अंतर करें, व्हाट इज लेसन प्लान, डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, समझे। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि आप कहाँ तक सहमत है कि शिक्षा के परामर्शदाता सुगमकर्ता एवं सह अधिगमकर्ता होते हैं, समझे। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, देख लीजिए कहाँ तक आप सहमत है कि शिक्षक क्या होते हैं, परामर्शदाता सुगमकर्ता एवं सह अधिगमकर्ता होते हैं। अब आइए लास्ट यूनिट में देखते हैं, देखिए यूनिट फाइव में जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन, जिस शॉर्ट में CMI, इंग्लिश में कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन कहते हैं, समझे। दसवां क्वेश्चन है परियोजना आधारित अधिगम क्या है, परियोजना आधारित अधिगम के गुण एवं सीमाओं का वर्णन करें, व्हाट इज द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, समझे। और एक्स्ट्रा में निम्नलिखित दो संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, समूह चर्चा, सेमिनार, सूक्ष्म पूर्ण बलन, समझे। तो इतना क्वेश्चन देख लीजिए, समझे, आपको इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, समझे। तो टाइम नहीं है, आप लोग युद्ध स्तर में पढ़ाई में लग जाइए, समझे। थैंक यू।